गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पहले का जो है सब्जेक्ट का जहाँ तक मैंने कराया एक बार, आज वो रिवाइज कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट 3 डेज में किसी दिन भी तुम्हारा टेस्ट हो सकता है, जितना भी मैंने अब तक कराया है तुम्हारी क्लास टाइमिंग पे ही तुम्हारा टेस्ट होगा। अभी आज हम रिवाइज कर लेते हैं टेस्टिंग एंड इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ सिंगल मीन। ये वाला तुम्हारी यूनिट थर्ड थी। यूनिट थर्ड में मैंने पहले तुम्हें बताया था नल हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस होती है जो कि पॉसिबली रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन। हम क्या मान के चलते हैं कि हो सकता है वो आगे जाके रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि वो ट्रू है। क्या क्या मान के चलेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि अगर दो कंपनी से बल्ब आ रहे हैं तो उनके क्वालिटीज जो है एलईडी बल्ब्स की क्वालिटी है दोनों की सेम लेके चलते हैं, आगे जाके हो सकता है कि वो नहीं हो सेम। तो क्वेश्चन में तो हम हमेशा सेटअप करते हैं एच नॉट से डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, और क्या कहते हैं म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए हम ये मान के चलते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, मतलब इसको बिल्कुल इसका उल्टा, तो इसमें नॉट इक्वल्स टू मान के चलते हैं। इसी के अंदर नॉट इक्वल टू लिख देंगे। इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस तो उसको हम लिखेंगे म्यू से म्यू नॉट, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, या तो नॉट इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो इसके अंदर दोनों केसेस हो सकते हैं कि एक चीज दूसरे से बड़ी हो या एक चीज दूसरे से छोटी हो। इसमें तो ये टू टेल कहलाता है। ये वाला कौन सा कहलाता है जिसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, वो कहलाता है टू टेल टेस्ट। और जिसमें एक चीज बड़ी हो तो वो क्या कहलाएगा, राइट टेल टेस्ट। और अगर स्टैंडर्ड से वो कम हो तो वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट ऑल्टरनेटिव टेस्ट या लेफ्ट टेल टेस्ट। फिर इसी के अकॉर्डिंग क्या आता है कि अगर हमारे टू टाइप्स के एरर होते हैं, टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर। मीन्स जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये देखा कि जो हम सेटअप लेके चले थे कि हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो ट्रू थी। एच नॉट में सपोज मैं मान के चली कि दो कंपनी से जो एलईडी बल्ब्स आ रहे हैं उन दोनों की क्वालिटी सेम है सेम ही है, और लेकिन हमने लास्ट में रिजल्ट निकाला रिजेक्ट कर दिया एच नॉट में, तो यही मान के चले कि दोनों की सेम है। लास्ट में हमने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं सेम नहीं है, तो इसका मतलब मैंने कौन सा एरर कमिट किया है, टाइप वन एरर। टाइप टू एरर क्या होता है, उल्टा, कि दोनों सेम नहीं थे लेकिन मैंने क्वालिटीज क्या लास्ट में रिजल्ट निकाल दिया, एक्सेप्ट कर लिया एच नॉट को, और एच नॉट में क्या मान के चले थे हम, इसको एच नॉट बोलते हैं, इसमें हम क्या मान के चले कि दोनों की बल्ब्स की क्वालिटी सेम है लेकिन वो नहीं थी, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो लिख दिया एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन इट इज रॉन्ग। तो वो कौन सा एरर होता है, टाइप टू एरर। टाइप वन एरर में हमने अल्फा से डिनोट किया था और टाइप टू एरर हमने बीटा से डिनोट किया था। तो टाइप वन एरर को हम लिखने का तरीका क्या था, प्रोबेबिलिटी, तो एक्स जो है वो किस में जा रहा है, डब्ल्यू में। डब्ल्यू क्या होता है, क्रिटिकल रीजन। तो मैंने तुम्हें बताया था कि एक क्रिटिकल रीजन को हम कैसे बनाते हैं, देखो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस में हम एक रीजन को दो में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है डब्ल्यू और एक होता है डब्ल्यू बार। डब्ल्यू क्या होता है, क्रिटिकल रीजन, ठीक है, और ये वाला रीजन क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन। क्रिटिकल रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन रीजन भी बोल देते हैं। रिजेक्शन किसका, रिजेक्शन एच नॉट का। इसमें हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं और उधर एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक सैंपल स्पेस को, एस को सैंपल स्पेस से डिनोट किया, वो किससे बनता है, डब्ल्यू यूनियन डब्ल्यू बार से, ठीक है। डब्ल्यू और डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट होता है डब्ल्यू बार, तो इसमें इसको एक्सेप्टेंस रीजन बोलते हैं, इसको रिजेक्शन रीजन। अब मैं कह रही हूं अल्फा, अल्फा क्या है, एच नॉट को रिजेक्ट कर देना जबकि वो क्या था, ट्रू था। एच नॉट रिजेक्ट किधर होता है, डब्ल्यू में, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बन गई, पी एक्स कहां से लिए, डब्ल्यू से फॉर एच नॉट, एच नॉट जब हमारा ट्रू था। बीटा क्या है कि हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किस रीजन में करते हैं हम, डब्ल्यू बार में, तो डब्ल्यू बार में एक्सेप्ट किया है तो एक्स डब्ल्यू बार जबकि एच वन ट्रू था हमारा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू और ये हो गई बीटा की। फिर मैंने तुम्हें बता दिया कि एक सैंपल स्पेस दोनों के यूनियन से बनता है और दोनों में कॉमन पॉइंट कोई नहीं होता, तो ये सेट क्या आएगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन समझते हो, दोनों में कॉमन पॉइंट, दोनों में सेम पॉइंट कोई होगा, नहीं होगा, तो वो क्या आएगा, फाइव। फाइव मतलब खाली होता सेट। अल्फा इज कॉल्ड, अल्फा को हम कई बार लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कह देते हैं और बीटा को हम पावर ऑफ द टेस्ट भी कह देते हैं। फिर वन टेल और टू टेल बता दिया मैंने कि वन टेल में क्या बोलते हैं, इसने बोला अ टेस्ट ऑफ टेस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन टेल इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट। या तो राइट हो सकता है या लेफ्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था अगर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगी तो राइट टेल, लेस देन होगा तो लेफ्ट टेल।
फिर हमने इसका ग्राफ किया था राइट टेल एंड लेवल ऑफ सिग्नल. राइट टेल में मैंने बताया था कि हम जब भी अब सारे क्वेश्चंस को करेंगे वो किस कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चलते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो बेल शेप्ड होता है. बेल कह लो या सिमेट्रिकल कह लो अबाउट जेड. ये जेड इक्वल्स टू जीरो है. जो रीजन जैसा यहां मार्क होगा वैसा रीजन यहां मार्क होगा. यहाँ पे ये मैंने मान लिया क्रिटिकल वैल्यू जेड अल्फा. ये पहले भी की थी कि ये हमें टेबल में गिवन होगी क्वेश्चन में कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना. तो 5% पे जेड अल्फा की वैल्यू होती है 1.695. ठीक है, अगर तुम जब तुम जेड को सॉल्व करते हो एक्स माइनस म्यू सिग्मा लेके, अगर इसकी वैल्यू 1.695 से बड़ी आती है तो वो इस रीजन में लाइक करता है. ठीक है, और लेस आते तो वो इस रीजन में लाइक करेगा. तो राइट टेल टेस्ट में क्या होता है कि हमें ग्रेटर देन देखना होता है, तो ये होगा तुम्हारा. लेफ्ट टेल में हमें ये देखना होता है, इसमें रिजेक्शन रीजन वहां होता है और इसमें रिजेक्शन रीजन यहां होता है. ठीक है, और रिजेक्शन रीजन मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल वैल्यू क्या होती है रिजेक्शन की, अल्फा. तो ये पूरा टोटल रिजेक्शन रीजन इधर लाई कर रहा है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा. ऐसे इधर लाई कर रहा है तो इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी अल्फा, पूरे की साइज की वैल्यू. ठीक है, और फिर आता है टू टेल टेस्ट. टू टेल टेस्ट में नॉट इक्वल्स टू आता है तो उसका रीजन कहाँ लाई करेगा, आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे, क्योंकि टू टेल में दोनों पॉसिबिलिटी है कि इधर भी लाई कर सकता है और इधर भी. तो इसलिए रीजन टोटल वैल्यू तो क्या रहेगी, अल्फा. तो आधा अल्फा बाई टू रीजन यहाँ पे हो गया अल्फा, मतलब एक तरह से एरिया कह लो. ठीक है, साइज कहते हैं इस रीजन को अल्फा से. तो अल्फा बाई टू यहाँ हो जाएगा, अल्फा बाई टू यहाँ हो जाएगा. अब फिर मैंने एग्जांपल लिया था तुम्हें कि सपोज कोई ऐसे दो पॉपुलेशन है ब्रांड के पॉपुलेशन के, जिनका मीन लाइफ एक की म्यू वन है और दूसरे की मीन लाइफ म्यू टू है, और तुम्हें चेक करना है कि बर्ब डिफर सिग्निफिकेंटली, कि बर्ब की जो क्वालिटीज है वो डिफर कर रही है नहीं है कर रही. तो मैं एच नॉट में मान के चलूँ कि दोनों की जो एवरेज लाइफ है वो क्या सेम है. तो एच वन में क्या मान के चलेंगे, नॉट इक्वल्स टू. अगर हमें ये देखना है कि जो न्यू प्रोसेस है, इसे बोला है कि ये जो बर्ब की क्वालिटी है मैन्युफैक्चर जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस से किया उसकी म्यू वन है, एक ही मतलब एक ही जगह के बल्ब है ये, लेकिन इसको स्टैंडर्ड प्रोसेस से हमने मैन्युफैक्चर किया और एक के ऊपर न्यू टेक्निक लगाई दूसरे, तो दोनों की क्वालिटीज में चेक कर रहे हैं. तो ये फर्स्ट में तो हम मान के चलते हैं कि दोनों की क्वालिटी सेम है, दूसरे में मान के चलते नहीं है इक्वल एच वन में ऑल्टरनेटिव में. फिर हम ये देखते हैं इफ बल्ब आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यू प्रोसेस हैव. तो इसमें अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो न्यू बल्ब आए हैं जो भी न्यू स्टैंडर्ड प्रोसेस से बनाए हैं वो अच्छे हैं, तो ये देखूंगी कि उसकी क्वालिटी इज ग्रेटर देन म्यू वन. तो ये कौन सा टेस्ट हो गया तुम्हारा, राइट टेल टेस्ट. ऐसे ही अगर मुझे ये चेक करना है कि लेस देन है तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट. तो बस ये इसमें बता रहा है कि तुम कैसे चेक कर सकते हो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड. फिर आते हैं क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, जिस जेड अल्फा, जैसे मैंने बताया था तुम्हें जेड अल्फा इज द क्रिटिकल वैल्यू, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या रहेगी तुम्हारी. तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोला कि ये किस पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे. क्वेश्चन में गिवन होगा 5% है, 2% है, 3% है, तो उस पर चेक करनी है जेड अल्फा की वैल्यू. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी दोनों पर डिपेंड करता है कि टू टेल लेना है कि सिंगल टेल लेना है. फिर आगे आता है हमारा ये प्रोसेस कि लार्ज सैंपल्स के लिए स्टैंडर्ड हम चेकअप कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट क्या लगाते हैं. टी माइनस ई टी, ये तुमने पढ़ा हुआ है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, ये करते थे ना. एक्स की जगह टी लिख दिया, म्यू क्या होता है ई ऑफ एक्स, यहाँ पे ई ऑफ टी लिख दिया. सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड वेरिएशन, ये भी स्टैंडर्ड डिफरेंस है स्टैंडर्ड एरर. तो तुम ये जनरली फॉर्मूला यूज करते हो. फिर जो वैल्यू आती है जेड की वो इक्वेशन वन देगी. फिर इक्वेशन वन उसको हम बोलते हैं टेस्ट. इस स्टेप को क्या बोलते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक की चेक कर रहे हैं कि टेस्ट कर रहे हैं हम क्या आएगा. फिर बोलते हैं जो क्रिटिकल वैल्यू होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक की वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है. तो और उसकी वैल्यू जो भी आएगी वो जेड अल्फा की वैल्यू हो जाएगी. जैसे मैंने बोला 5% पे, 5% पे जेड अल्फा की वैल्यू 1.69 होती है. मैंने तुम्हें एक टेबल की फोटो क्लिक करके भेजी थी, उसको चेक करना. फिर ये बोल दिया कि पी क्या है, अगर जेड अल्फा की वैल्यू मॉड ऑफ जेड से बड़ी है तो वो किसके इक्वल है, अल्फा. अब ये क्या है कि अगर रीजन हमारा जेड अल्फा से बाहर लाइक कर रहा है, मतलब मैंने बोला कि अगर तुम्हारी जेड की वैल्यू जेड अल्फा से लेके माइनस जेड अल्फा के बीच में है, मतलब ये ग्राफ बना दिया मैंने तुम्हारा. ठीक है, ये जेड अल्फा, ये माइनस जेड अल्फा. अगर तुम्हारा वैल्यू यहां से यहां तक आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन. मतलब जो तुमने एच नॉट मान के चला वो सही मान के चला कि दोनों की क्वालिटी सेम है. और अगर मेरा रीजन इधर लाई कर गया जेड अल्फा से इधर, मतलब जेड अल्फा से बड़ा हो गया या माइनस जेड अल्फा से भी छोटा हो गया, तो इसका मतलब वो हमारा रीजन होगा रिजेक्शन रीजन. इसका मतलब मैंने एच नॉट गलत लिया है. ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि अगर मोड जेड इज ग्रेटर देन जेड अल्फा है तो इसका मतलब क्या है, मोड जेड का मतलब क्या है, उसका पॉजिटिव पार्ट भी जेड अल्फा से बड़ा है और नेगेटिव पार्ट भी जेड अल्फा से बड़ा है.
पॉजिटिव पार्ट जेड अल्फा से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला रीजन बनाएंगे ना, ये जेड अल्फा हो गया मेरा, इधर वाला रीजन आ गया, ठीक है। और नेगेटिव इधर से नेगेटिव हटाने के, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो हमें साइन भी चेंज करना पड़ता, देखो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इधर माइनस से करेंगे तो अगर जेड अल्फा से माइनस जेड अल्फा यहां होगा, इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो तो वो रीजन कहलाता है हमारा रिजेक्शन रीजन। अभी बताइए टोटल अल्फा बाय टू होता है, ये भी कितना होता है अल्फा बाय टू, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई इसकी अल्फा, ये तुम्हें बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ जेड अगर ग्रेटर देन जेड अल्फा है वो हमेशा क्या होती है अल्फा होती है। और इसने बोल दिया वही मैंने तुम्हें बता दिया सारा कुछ, इसमें वही बता रहा है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, ये तुम्हें पहले वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ अच्छे से, उधर स्टेप्स देख लेना अपने, ये अभी बताया तुम्हें, ठीक है। फिर आता है प्रोसीजर की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एच नॉट को सेटअप करना, नल हाइपोथेसिस को सेटअप करना, उसमें हम हमेशा ज्यादातर क्या मान के चलते हैं, ये इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल मान के चलते हैं। फिर सेकंड आता है अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव क्या मान के चलेंगे, या तो नॉट इक्वल टू मान के चलेंगे या फिर एक चीज दूसरे से बड़ी होगी, मतलब सिंगल टेल भी लगा सकते हो टू टेल भी लगा सकते हो। थर्ड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन में क्या गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो मेंशन कर दो कि इन दिस क्वेश्चन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज गिवन 5% या इन दिस प्रॉब्लम। फिर फोर्थ स्टेप होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक की, जेड की वैल्यू चेक करोगे कि क्या आ रही है, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा आ रही है, ये फॉर्मूला हमारा इधर वैल्यूज पुट करनी है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर जो आएगा कंक्लूजन आएगा, जेड की वैल्यू आएगी, अगर जेड की वैल्यू जेड अल्फा से छोटी है, अगर जेड की वैल्यू जेड अल्फा से छोटी है तो इसका मतलब कौन से रीजन में लाइक कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में, तो एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर जेड की वैल्यू जेड अल्फा से बड़ी है तो वो कौन से रीजन में, रिजेक्शन रीजन, किसको रिजेक्ट करेंगे, एच नॉट को। तुम हमेशा याद रखोगे एच नॉट को ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके देखना, एच वन की बात नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली वाइस वर्सा हो जाता है ना कि अगर एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एच वन रिजेक्ट हो जाएगा, तो तुम्हें सिर्फ एच नॉट को ध्यान रखना है, अगर लेस देन जेड अल्फा आ रही है तो एक्सेप्ट करना है, ग्रेटर देन अल्फा आ रही है तो रिजेक्ट करना है। फिर इसने ये भी बोल दिया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा कहलाता है और कॉन्फिडेंस ऑफ कोफिशियंट 1 - अल्फा कहलाता है। फिर हमें देखना है यहां से तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, अभी तुम्हारे कई टॉपिक्स आने हैं सिंगल प्रोपोर्शन, डिफरेंसिंग प्रोपोर्शन। सिंगल प्रोपोर्शन का भी फॉर्मूला जनरल ही है, ये हमारा x माइनस ई एक्स बाय वी एक्स होता है। सिंगल प्रोपोर्शन में एक चीज ध्यान रखनी है, दो पी आते हैं, एक स्मॉल पी आता है और एक कैपिटल पी आता है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कैपिटल पी कब लेना है और स्मॉल पी क्या है। स्मॉल पी के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने हैं, स्मॉल पी क्या होता है, जो भी स्टैंडर्ड, जैसे मैं बोलती हूँ एक कॉइन है, कॉइन जनरली क्या होता है, कॉइन के अंदर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, तो स्मॉल पी जो होगा वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में कहलाएगा कि स्मॉल पी की वैल्यू ज्यादातर हमेशा हेड के आने के चांसेस 1/2 है। लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि हो सकता है कॉइन कहीं से मुड़ा हुआ, कॉइन मतलब सिक्का कहीं से मुड़ा हुआ होगा, तो तुम्हारे में हो सकता है कि हेड बार बार में वो आए ना, ज्यादा चांसेस किसके बन जाए, टेल के, तो क्वेश्चन में बोल देता है कि तुम्हें चेक करना है कि कॉइन बाइज्ड है कि नॉट बाइज्ड है, बाइज्ड का मतलब कुछ कमी है या नॉन बाइज्ड का मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है, तो तुम्हें ये चेक करना होता है। तो हम इसमें सेटअप करके देखते हैं कैपिटल पी मान के चलेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है कि इतने में से इतने आए हेड, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो इसमें बोला एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन द एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, जो भी क्वेश्चन होगा उस पर डिपेंड करता है। देखो जैसे ये जनरली याद कर लो, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में का जो मीन होता था वो एनपी होता था और वेरिएंस होता था एनपी क्यू, तो उन्हीं के ऊपर ही हम क्वेश्चन लगाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, अ डाइस थ्रोन 9000 टाइम्स, हमने कितने टाइम्स टॉस किया, 9000, और उसमें से 3 और 4 बार बार में आ रहे हैं एज सक्सेस, में मेरी सक्सेस कब मिलेगी, जब 3 या 4 में से कुछ आएगा। उन्होंने देखा कि 3240 टाइम्स तो क्या आया, 3 और 4 आया, शो दैट द डाई कैन बी रिगार्डेड एज अनबाइस्ड, मैं ये शो करना तुम्हें कि डाई बाइस्ड है, कांट बी रिगार्डेड एज अनबाइस्ड का मतलब डाई, तुम्हें ये शो करना कि डाई में कोई कमी है कि बार, देखो 9000 में से तो इतनी बार तो 3 और 4 आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका मतलब डाइस के अंदर कहीं से मुड़ा हुआ है, डाइस में 6 साइड्स होती हैं जबकि 2 साइड बार बार में दिखा रहा है, आधी से ज्यादा बारी क्या है हमारा डाइस में 3 और 4 आ रहा है, इसका मतलब डाई में कुछ कमी है, तुम्हें शो करना है। तो एन क्या दे रखा है, एन की वैल्यू देखनी होती है 9000, एक्स को हम मानते हैं नंबर ऑफ सक्सेस, मेरी सक्सेस कब है, जब 3 और 4 आएगा, और वो कितनी बार आ रहा है, 3 to 4 टाइम्स,
3240 टाइम, तो मैंने सक्सेस लिख लिया। देन हम सेटअप करेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम मान के चलते हैं कि वहां पे था एच नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, लेकिन यहाँ पे म्यू मीन तो दे नहीं रखा क्वेश्चन में, तो हम किसकी बात करेंगे, कैपिटल पी और स्मॉल पी की। कैपिटल पी जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी की, मैंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में सॉरी इधर कैपिटल पी जो बोला, इधर कैपिटल पी होता है जो स्टैंडर्ड होता है, और स्मॉल पी होता है जो स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब स्मॉल पी जो क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल पी क्या होगा, 3 और 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब कितने के पॉसिबल केसेस है, 6 में से 3 और 4 आएंगे कितनी बार, 2 बार, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई, 1/3। फिर तुमने पढ़ा है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो क्यू की वैल्यू में से क्या निकालोगे, 1 - p - क्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एच नॉट में क्या मान के चले कि स्मॉल पी और कैपिटल पी दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेटिव में नहीं इक्वल है, तो अब हम निकालते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करके x - np / np, क्यू एक्स की वैल्यू पुट की, एन की, पी की, कैपिटल पी और कैपिटल क्यू की, सबकी वैल्यू पुट की, आंसर आ गया तुम्हारा 5.3। अब क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन नहीं है, अगर मेंशन नहीं है तो तुम्हें जेड अल्फा हमेशा 3 लेना है, कि भाई जेड अल्फा हमारा 3 है, क्वेश्चन मेंशन कर देते तो मैं वहां से ले लेती, जेड अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3। अब ये वाली वैल्यू देख लो, तुम्हारी बड़ी है तो रिजेक्ट करना है, स्मॉल है तो एक्सेप्ट करना है। अब मैंने देखा 5.36 इज ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब जो जेड है वो रिजेक्शन रीजन में लाइक कर रहा है, रिजेक्ट किसको करना है, एच नॉट को। एच नॉट में क्या मान के चले कि थे कि डाइस में कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब डाइस में कमी है, डाई इज बाइस्ड, ये क्वेश्चन था तुम्हारा। और फिर तुमसे ये बोल दे कि लिमिट्स निकालने हैं क्वेश्चन में, तो लिमिट्स के लिए तुम्हें जनरल फॉर्मूला बताया हुआ है, पी प्लस माइनस यहाँ पे जेड अल्फा की वैल्यू होती है क्वेश्चन में, अब जेड अल्फा की वैल्यू क्या लेके चल रहा है 3, तो वो लिखी और वैल्यूज पुट कर दी। इससे क्या आएगी कि हमारा ज्यादातर आंसर किस में लाइक करेगा, प्लस करके एक बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और माइनस करके मिनिमम आ जाएगी, तो 2 वैल्यूज आई ये। तो इसने बोला कि जो 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी है ना, वो ज्यादातर किसके बीच में लाइक कर रहे हैं, इस दर से लेके इनके बीच में, ये क्वेश्चन था तुम्हारा। फिर मैंने 1-2 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दिए थे, एक बार ये अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर कल से 1-2 दिन बाद टेस्ट लूंगी मैं तुम्हें, कल से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।